चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की बात करने वाला है। वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखकर स्किप ना करें। आपको पता ही है कि NEP 2022 की जो परीक्षा है वो आज से शुरू हो चुकी है, और यहाँ पर ये इन्होंने एक नोटिस दिया है मेजर विषय कोड के लिए। उत्तर पुस्तिका जो आपको मिलने वाली है उसमें आपको क्या करना है, आपको बता दूं कि आपको पेपर में मिलने वाली कॉपी में पेपर कोड लिखने के बॉक्स कम है, इसीलिए आपको लेफ़्ट साइड से और बॉक्स बनाने होंगे, जैसे नीचे दिखा गया है। इस साइड से आपको यहां पर बॉक्स बनाने हैं, और बॉक्स बनाने के बाद आपको जो भी कोड होगा वो यहां पर सबमिट करना है, यानी कि आपको रिटर्न में लिख लेना है। तो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि इस तरह से केवल लेफ़्ट साइड से बॉक्स बढ़ने हैं, ना कि राइट साइड से। और विश्वविद्यालय ने साफ साफ कहा है कि मेजर विषय कोड को भरना अनिवार्य है। साथ में आपको बता दूं कैंपस में 12 अप्रैल की परीक्षा स्थगित हो चुकी है, अब यह परीक्षा 18 अप्रैल को होगी। जो परीक्षा PG डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा शुरू हो रही है, तो 12 अप्रैल की जो परीक्षा थी वो अब 18 अप्रैल को कराई जाएगी। आज की परीक्षा को स्थगित किया गया है। VV ने साफ बता दिया है कि प्रशासन परीक्षा केंद्रों पर रोकेगी नकल, चेकिंग भी होगी। तो यहाँ पर जो है बड़ी सख्ताई से विश्वविद्यालय चेकिंग करने वाला है, तो कोई भी छात्र ध्यान दे, कोई भी नकल करने की कोशिश ना करे। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको UFM के तहत सज़ा मिल सकती है, और आपका ये साल ख़राब हो सकता है, और साथ में आपका अगला साल भी ख़राब हो सकता है। तो प्लीज़ नकल ना करें, अच्छे से अपनी स्टडी करें ताकि आपकी अच्छी परसेंटेज बन सके। केंद्रों को भी चेतावनी दी गई है कि केंद्र सतर्क होकर के यहां पर परीक्षा कराए, अगर कोई भी केंद्र गड़बड़ी करता हुआ मिल गया तो उसका सेंटर निरस्त कर दिया जाएगा, साथ में उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दूं कि NEP के तहत आज से जो एग्ज़ाम है सेमेस्टर परीक्षाएं के, मुख्य परीक्षा की डेट शीट अभी जारी नहीं हुई है, और इन समस्याओं को लेकर के कुछ यूनिवर्सिटी का रुख कर रहे हैं स्टूडेंट्स। उनकी समस्या है कि जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरे पास परीक्षा फॉर्म में पेपर कोड बदला आया है, ठीक करवाने के लिए एप्लीकेशन दी है, यूनिवर्सिटी ने 2 दिन में समस्या सोल्व करने का आश्वासन दिया है। साथ में एक और स्टूडेंट्स ने अपना बताया कि मुख्य परीक्षा की अभी डेट शीट नहीं आई है, इसीलिए कोशिश है कि डेट शीट आने से पहले ही समस्या का समाधान हो जाए ताकि पेपर के दौरान परेशानी न हो। पेपर की तैयारी के साथ ही पेपर कोड ठीक कराने जैसी समस्या आ रही है, पेपर कोड सही कराने के लिए कमरा नंबर 103 में एप्लीकेशन दी है, 2 दिन में सही होने का आश्वासन दिया गया है। साथ में यहाँ पर धीरेंद्र कुमार रजिस्ट्रार CSUS ने जो इन सवालों के जवाब दिए हैं, दरअसल ये उन स्टूडेंट्स के साथ होता है जो साइबर कैफ़े के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं, यूनिवर्सिटी स्तर से स्टूडेंट्स के हित को देखते हुए फॉर्म को ठीक करा जा रहा है। और लास्ट में आपको कहना चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स जो आज परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं और आगे भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी जो है स्टडी करें, अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाए ताकि आपकी परसेंटेज अच्छी बन सके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो मिलता है कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।